रूस और यूक्रेन युद्ध में यूक्रेन को भारी तबाही झेलनी पड़ी है। सैकड़ों इमारतें जमींदोज हो गई हैं, कई स्कूलों को भी तबाह कर दिया गया है। लेकिन इन सब के बीच यूक्रेन की एक ऐसी तस्वीर दुनिया के सामने आई है जो हमें ये सीख देती है कि चाहे सब कुछ खत्म ही क्यों ना हो जाए, हौसला नहीं खत्म होना चाहिए। रूसी हमले में कई स्कूल तबाह हो चुके हैं, लेकिन इन सब के बीच एक शख्स अपने घर को ही स्कूल बनाकर बच्चों को पढ़ा रहा है। एक रिपोर्ट के मुताबिक यूक्रेन में 200 से ज्यादा स्कूल तबाह हो चुके हैं। बच्चों की पढ़ाई बहुत प्रभावित हुई है, लेकिन पढ़ने का हौसला बरकरार है। और इस हौसले को उड़ान देने वाले शख्स का नाम है अलेक्जेंडर पोगोरेलोव। पेशे से टीचर पोगोरेलोव यूक्रेन में सबसे तबाह हुए डोनेस्कस क्षेत्र में पढ़ाते थे, या उन्होंने 2 दशकों से ज्यादा समय तक पढ़ाया है। जहाँ वो पढ़ते थे अब वो स्कूल खंडर बन चुका है। अप्रैल में स्कूल की इमारत को मिसाइल से उड़ा दिया गया था। 45 साल के पोगोरेलोव ने अब अपने घर को ही स्कूल बना दिया है। वे अपने घर पर ही बच्चों को पढ़ाते हैं। पोगोरेलोव कहते हैं कि एक शिक्षक क्या महसूस कर सकता है वो आप नहीं समझ सकते। यहाँ सब कुछ नष्ट हो गया है। स्कूलों पर हमला करने को लेकर रूस ने दावा किया है कि यूक्रेन सैनिकों को शरण देने और गोला बारूद जमा करने के लिए नागरिक बुनियादी ढांचे का इस्तेमाल करता है। हमारी सेना रिहायशी इलाकों और स्कूलों पर हमला नहीं कर रही है, रूस भले ही अपनी सफाई में कुछ भी कहे, लेकिन यूक्रेन का खौफनाक मंजर देखते ही सब समझ में आ जाता है कि यहाँ पर क्या हुआ। बहरहाल पोगोरेलोव के लिविंग रूम की दीवारों को स्कूल की इमारत से बरामद पोस्टरों से सजाया गया है ताकि छात्रों को लगे कि वो वाकई स्कूल में पढ़ाई कर रहे हैं। दोनों देशों के बीच चल रहे युद्ध में पोगोरेलोव जैसे लोग इस बात का संदेश देते हैं कि युद्ध सिर्फ तबाही ला सकता है, इमारतों को खंडर बना सकता है, लेकिन हौसलों को डगमगा नहीं सकता। बहरहाल आपको हमारी खबर कैसी लगी कमेंट सेक्शन पर जरूर बताएं। देश और विदेश की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए TV9 डिजिटल।